अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। आज मैं मटन अकनी बना रही हूँ। ये देखो, ये देखो, ये छोटा कांदा है, उसको चॉप करके ली हूँ। और ये अदरक 3 टुकड़ा है और 5 लहसुन के बीच है। और ये गरम मसाला, पूरा गरम मसाला है। और ये 2 चम्मच धनिया अक्खी है और जीरा अक्खा है। ये नमक है 1 चम्मच। ये 1/2 किलो गोश्त है, 1/2 किलो दही है। और ये अदरक लहसुन 2 चम्मच है। और ये 3 प्याज चॉप करके ली हूँ। और 1/2 किलो चावल है। और ये पानी इतना लगेगा। और इसमें से 2 चम्मच तेल लगेगा। ये साथ में उबाली गरम मसाला पूरा, और ये गोश्त, और ये उसका अकनी, मतलब पानी उसका। तो अब ये सब उबाली और छानी, उसमें से गोश्त निकाली, पानी अलग करी, अकनी अलग करी। अभी मैं बना रही हूँ। तेल डाली 2 चम्मच तेल डाली। अब ये कांदा डाल रही, कांदा डाली। अभी नमक डाली, उसमें भी नमक डालने का था, आधा डाली, आपको बताइए, आधा इसमें डाली। अभी देखिए मिक्स कर रही। अब ये कांदे को कलर आने नहीं देने का, जास्ती फोलने का नहीं, लाल होने देने का नहीं। अभी ये कांदा फोल रही, उसके बाद देखो ऐसा कलर, कांदे का कलर लाल नहीं करने का, ऐसा करने का। अभी मैं अदरक लहसुन डाल रही। अभी अदरक लहसुन को भून के हो गया। अभी मैं गोश्त डाल रही। गोश्त को भूनने के बाद दही डालूंगी। गोश्त भून के हो गया, अभी दही डाल। पाँच मिनट इसको भूनूंगी। 5 मिनट के बाद वो अकनी डालूंगी। तो ये अकनी का पानी डाल रही हूँ। अभी इसी में पकाने के चावल, क्योंकि और पानी नहीं डालने का, इसी पानी में पकेगा वो चावल। तो अभी मैं चावल डाल रही हूँ। अभी मैं चावल डाल के मिक्स करूंगी। ये फास्ट पे पकाने का, पानी सूखने तक, और सूख गया पानी के दम पे रखने का 5 मिनट। अकनी का पानी सूख गया, अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख रही, बारीक गैस पे। ये देखो अभी दम पे रख रही मैं, हाँ देखो 5 मिनट हो गया। अभी मैं इसको सब कर, हो गया अभी मैं इसको सब कर रही। गर्मा गर्म अकनी बनके, गोश्त की अकनी बनके तैयार है। अभी इसको पपड़ के साथ